अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है और जो है ये ज्यूडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है और हाई कोर्ट के अंदर आता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक को कहते हैं हम लोग सिविल कोर्ट, जो सिविल केसेस से डील करता है। दूसरा होता है मेरा क्रिमिनल कोर्ट, जो क्रिमिनल केसेस से डील कर रहा होता है। और रेवेन्यू कोर्ट, जो रेवेन्यू के केसेस से डील कर रहा होता है। नाउ जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, उसे हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब ये जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है और जितने भी सिविल केसेस हैं उनके साथ डील करता है। अब सिविल केसेस में आते कौन कौन से केसेस हैं, तो किसी भी तरह का केसेस जो कि प्रॉपर्टी किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच से जुड़ा हुआ हो, डाइवोर्स से जुड़ा हुआ हो, लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ हो, तो ये सारे केसेस जो है सिविल कोर्ट के अंदर ये आते हैं या सिविल कोर्ट के अंदर डील किए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर क्रिमिनल कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में एब्सेंट है तो सिविल कोर्ट ही जो है वो मेरा क्रिमिनल कोर्ट का भी काम करता है। तो जब कभी भी सिविल कोर्ट के अंदर सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों हियर किए जाते हैं, दोनों सुने जाते हैं, तो उस केसेस में उस कोर्ट को कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं। अब सेशन जज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्रिमिनल कोर्ट होता है उस क्रिमिनल कोर्ट के जज को सेशन जज कहते हैं। तो एक ऐसा जज जो सिविल केसेस को भी सुन रहा होता है और क्रिमिनल केसेस को भी सुन रहा होता है, तो इसीलिए उसे हम लोग ऐसा कोर्ट कहते हैं जहां पे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज दोनों काम कर रहा होता है। क्लियर हो गया। अब जितने भी फैमिली कोर्ट हो गए या मुंशिप्स हो गया या फिर स्मॉल कोजेस कोर्ट्स हो गए जो कि किसी सिविक बॉडी में, सिविक बॉडी मतलब किसी सिटी के अंदर है, व्याप्त है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से छोटा है, तो ये सारे कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट के अंडर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मेरा क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को हम लोग सेशन कोर्ट कहते हैं और इसका जो जज है वो सेशन जज कहलाता है। ये हाईएस्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि क्रिमिनल केसेस से डील कर रहा होता है। क्रिमिनल केस के अंदर जो है बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, रेप है, पिक पॉकेटिंग है, फिजिकल असॉल्ट हो गया, मर्डर हो गया, ये सारे केसेस जो है क्रिमिनल केसेस कहलाते हैं। अब हमेशा आपको याद रखना है क्रिमिनल केसेस में जो है जो लॉ होता है वो वायलेट होता है, लेकिन जो सिविल केसेस होता है सिविल केसेस में लॉ वायलेट नहीं होता है। तो पनिशमेंट जो मिलता है वो क्रिमिनल केसेस में मिलता है, सिविल केसेस में पनिशमेंट नहीं दिया जाता। ठीक है, और जो है अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर मजिस्ट्रेट के जितने भी कोर्ट्स होंगे, फर्स्ट लेवल के, सेकंड लेवल के, थर्ड लेवल के, तो ये तीनों कोर्ट्स जो है आएंगे क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो हमारा फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इन सब मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट होता है उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल केसेस को जो फाइल करा जाता है कोर्ट के अंदर, तो वो विक्टिम के द्वारा फाइल नहीं करा जाता है, पुलिस के द्वारा फाइल किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है कि क्योंकि क्रिमिनल केसेस, सपोज किसी का मर्डर कर दिया गया तो जो विक्टिम होगा वो डेड बॉडी होगी, तो डेड बॉडी जाकर के कोर्ट में केस नहीं करेगी, तो जो कोर्ट पे केस किया जाता है या कोर्ट पे केस फाइल किया जाता है वो पुलिस के द्वारा फाइल किया जाता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। और अगर एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी अगर पाया गया तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है, और इस पनिशमेंट में फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और सेंटेंस, डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से, बस आपको ये ध्यान में रखना है रेवेन्यू कोर्ट हमेशा उन सारे केसेस से डील करता है जो लैंड रेवेन्यू से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है। इसमें जो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर जितने भी कमिश्नर के कोर्ट्स हो गए, कलेक्टर्स के कोर्ट हो गए, तहसीलदार का कोर्ट हो गया या असिस्टेंट तहसीलदार का कोर्ट हो गया, वो सब आता है। मतलब अगर कहीं असिस्टेंट तहसीलदार जो है
केसेस के साथ डील कर रहा है, तो वो सब जो है फाइनल अपना जो जजमेंट उसका जाएगा वो कहाँ जाएगा, तो रेवेन्यू कोर्ट के अंदर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएगा। मतलब जो फाइनल अपील होगी या जो फाइनल हियरिंग होती है वो मेरा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, ये इसे जरूर रीड कर लेना, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सबॉर्डिनेट कोर्ट। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं उसके जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट ये अपॉइंट करता है ऑन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो कंसर्न्ड स्टेट होगा, जिस स्टेट का गवर्नर होगा या जिस स्टेट में हमें सबॉर्डिनेट कोर्ट के जज को नियुक्त करना है, तो वहां के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसके कंसल्टेशन के बाद जो गवर्नर होंगे उस स्टेट के वो उस जज को नियुक्त करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वालिफिकेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट जज। सो एनी पर्सन हु हैज बीन एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 years और वन हु इज इन द सर्विस ऑफ द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एलिजिबल टू बी अ जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोवाइडेड ही और सी पोसेसेस द रिक्वायर्ड लीगल क्वालिफिकेशन। मतलब अगर देखो तो दो तरह का यहाँ पे कंडीशन गिवन है। पहला कंडीशन है कि वो एडवोकेट होना चाहिए मिनिमम 7 साल के लिए, ठीक है। और जो दूसरा होगा और दूसरा ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में या सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में होना चाहिए और उसके पास लीगल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब जज बनने की क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, तब जाके वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सबॉर्डिनेट जज से रिलेटेड। इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर पेपर।